हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरा विस्टाडोम ट्रेन का जर्नी देखा था, आप लोगों को पता होगा कि मैं जर्नी का एंड किया था तिनसुकिया स्टेशन में। तो तिनसुकिया में मैं मामा घर आया था, तो आज हम अपने भाई के साथ आए हैं पिज्जा हट में, जो कि तिनसुकिया देवी पोखरी में लोकेटेड है। एंड आज भाई का तरफ से हमें ट्रीट दिया जा रहा है, एंड आज हम लोग चिकन पिज्जा ट्राई करने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों मैंने बोला होगा बाकी सारे वीडियोस में कि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैं था वेजिटेरियन, बट अब मैं नॉन वेजिटेरियन बन चुका हूँ। तो प्लीज डोंट माइंड, हम लोग चिकन पिज्जा खाने वाले हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश ब्लॉग्स। तो चलो वीडियो शुरू करी। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आके बैठे हुए हैं पिज्जा के एक नए आउटलेट में, जो कि तिनसुकिया के देवी पोखरी में लोकेटेड है। एंड आपको बता दूं, तो आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं, 2022 में सरस्वती पूजा वाला दिन ये नया आउटलेट खुला है। एंड आज आप लोग देखेंगे, फर्स्ट टाइम मैं नॉन वेज पिज्जा ट्राई करने वाला हूँ। इतना इनसे आप लोगों को मैं बता रहा होगा कि हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन हाँ, अब नो मोर वेजिटेरियन, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, वो भी हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन। तो आज हम लोग यहाँ पिज्जा ट्राई करने आए हैं। दरअसल पिज्जा हट में एक नया मोमो मिया पिज्जा आया था कुछ दिनों पहले, आई गेस मुझे उतना डेट नहीं पता कब उन लोगों ने लॉन्च किया था इस नए पिज्जा को। बहुत दिन से मुझे आके उसका ब्लॉग बनाने का मन था, तो मुझे अब सजाग का समय मिला है। देखिए, इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे अब जाकर समय मिला। आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं मोमो मिया चिकन पिज्ज़ा। थोड़ा सा डिफरेंट पिज्ज़ा है, देखते हैं कि कैसा है। आज तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो खाने का बाद ही कुछ रिव्यू दे पाऊंगा आपको। एंड हमारे साथ हमारे दो भाई है, रोहित भैया और ये प्रीत। और हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा प्रीत भाई हमको पार्टी दे रहा है, रीजन आपको बताओ क्या है? चैनल मोनेटाइजेशन का पार्टी है ये। मोनेटाइज़ हुआ मेरा चैनल, मुझे पार्टी देना चाहिए, प्रीत पार्टी दे रहा है। पैसा कहाँ से आता है बताओ तो हमको? भैया देते हैं हमारे। अच्छा, हमारे पिज्जा चिकन पिज्जा, ये है मोमो मिया पिज्जा और ये है तंदूरी चिकन पिज्जा, दोनों आ चुका है। मोमो मिया चिकन पिज्जा लिया है हमने, तो इसके ऊपर हमला करते हैं और टूट पड़ते हैं, पिज्जा को खाते हैं। मोमो मिया, लेट्स हैव आवर मोमो मिया पिज्जा। हाय 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 हाय, अरे हाँ, पहले हमको ही दे दी। भाई साहब, ये देखो ना, चिकन के कितने बड़े बड़े पीसेस है इसमें, प्लस मोमो भी है। और प्लीज भैया, बड़ा वाला आप लीजिए, मजा आ गया ना। और चिकन का पीसेस देख रहे हो ना, तुम तो खाना भी शुरू कर दिया, कैसे बताओ तो? मस्त है, दिल खुश हो गया ना। अरे भाई साहब, जब ये मेरे सामने रख के रखा गया था ना टेबल पे, इसका स्मेल जब मेरे नाक में आया ना, मैं एकदम हिल चुका था यार। ऐसा लग रहा था कि अभी खा जाऊं इसको। चलिए इसको खाते हैं और आपको टेस्ट करके बताता हूं। तो ये देखिए, ये है हमारा मोमो मिया पिज्जा। अभी इस पिज्जा को खाते हैं। मम्मा मिया, इट्स मोमो मिया पिज्जा। भाई साहब, क्या ही टेस्ट है, पूरा टमाटो सॉस, मोज़रेला चीज, चिकन का बड़े बड़े पीसेस एंड मोमो, सब कुछ एडेड है। बताइए क्या नहीं है इसमें। देख लो कितना दिन बाद एक यूनिक टाइप का पिज्जा खा रहा हूँ, इसके अंदर मोमो भी है। आई दिल खुश हो गया खा के। Thank you.
टोटली वर्थ इट मेरे हिसाब से, मुझे जितना लगा। दोस्तों अगर आप पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा के साथ आप अगर आपने पेप्सी या कोको कोला नहीं टेस्ट किया तो क्या ही किया। इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में चुम्मिस वड़ी पिज्जा। देख रहे हो ना, देखो 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 मोमो, देखो मोमो इतना बड़ा पिज्जा हमारे बस तो था नहीं फिनिश करने का। भैया आपका और रोहित भाई का शुक्रिया पार्टी देने के लिए, शुक्रिया। ये तो नहीं होते तो हम अकेले पिज्जा खत्म नहीं कर पाते। और अभी एक और पिज्जा बाकी है, चिकन टिक्का पिज्जा, इसे भी ट्राई करते हैं। एकदम टेस्टी पिज्जा, विस्तार पूर्वक बताइए हमें। इसमें जो चिल्ली और केचप जो डाला था ना इसमें हम लोग ने, उसमें मजा आ गया था। आप लोग भी पिज्जा ट्राई कीजिए, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, टेस्ट करके बताइए कमेंट में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मोमो में या पिज्जा खाया है, मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लगता है मोमो में या पिज्जा। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये मोमो में या पिज्जा बहुत ही लाजवाब लगा है यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एकदम दिल खुश हो गया पिज्जा खाकर। एंड मेरे हिसाब से तो पूरा वर्थ इट है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। एंड ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कम पैसे में आपको मोमो में या पिज्जा मिल जाएगा। वेज एंड नॉन वेज दोनों का ऑप्शन है, तो वेज में एज यूजल आपको मिलेगा पनीर और नॉन वेज में आपको मिलेगा चिकन। इसको वेट क्यों करा रहे हो, कितने सारे मुर्गी ने कुड़मा के दिया होगा प्लेट में आने के लिए। बोला दोस्तों, तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपना चिकन टिक्का पिज्जा, चिकन चिकन, सो लेट्स ट्राई इट। तो भाई देख लो, क्लोजअप शॉट में देख लो, बड़ा बड़ा चिकन का पीसेस है इसमें, एंड प्लस टोमेटो अनियन और बहुत सारे चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर भी ना करते हैं, लाजवाब। एंड चिकन टिक्का थोड़ा सा ज़्यादा था इसमें, चिकन के पीसेस, उसका वजह से टेस्ट में और निखार आ गया था, समझे, और दिल खुश हो गया। अभी और एक पिज़्ज़ा बचा हुआ है, लास्ट पीस ऑफ द पिज़्ज़ा, कौन खाएगा, आप या मैं? आपका सच में तुम आप खाएंगे तो खाइए, नहीं तो ले लो। देखिए अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों में से किसी भी लोगों को अगर कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी फॉर इट। देखिए टाइम में कभी कभी कुछ कुछ डिसीजंस लेना पड़ता है। हाँ मैं वेजिटेरियन था, लगभग 2-3 साल पहले मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, उसके पहले मैं नॉनवेज खाता था। एंड अभी फिर 3 साल बाद मैंने नॉनवेज खाना रिस्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप लोगों को बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर इट, डोंट गेट ऑफेंडेड, इट्स माई लाइफ एंड माई डिसीजन एंड इट्स माई चॉइस। तो फिर कितना रुपये का चुना लगा बताओ तो? 839 ना। एंड भाई हम लोग का 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ऑल द बेस्ट, इट्स द लास्ट पीस ऑफ द डे, लास्ट पिज्जा ऑफ द डे। और उससे तो हमने अपना पिज्जा खा के फिनिश कर लिया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो चिकन टिक्का पिज्जा मुझे ज़्यादा बेटर लगा मोमो या पिज्जा से। हाँ मोमो या पिज्जा इज टू गुड, मोमो एंड पिज्जा दोनों का टेस्ट मिलेगा आपको। चिकन के बड़े बड़े पीसेस थे, बड़े बड़े सॉसेजेस थे, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत सही है। एंड ये
भी बहुत सही है, चिकन टिक्का पिज्जा भी बहुत सही है, लेकिन फर्स्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पर्सनली मैं बताऊं, चिकन टिक्का पिज्जा वाज मच बेटर देन मोमो या पिज्जा। तो आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही था, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत एंड हरे कृष्णा टू एवरीवन। दिस इज मनीष दास सिंह ऑल द वे फ्रॉम पिज़्ज़ा हट तिनसुकिया असम। बाय बाय।